गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आई एम योर क्लास टीचर मिस रूबी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, सब्ट्रैक्शन विद इन 100। व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर? यू विल लर्न टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स विदाउट बोरोइंग, सब्ट्रैक्ट नंबर्स विद बोरोइंग, सॉल्व स्टोरी सम्स। कैरी करते हुए, बोरो का वर्ड जो है वो हम कैरी भी कह सकते हैं। कैरी के बगैर और कैरी के साथ हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो इस चैप्टर से सीखेंगे, और स्टोरी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सारे हम इस चैप्टर में सीख सकेंगे। स्टूडेंट्स, हियर आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स। ये चैप्टर में बार बार यूज होंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन वर्ड्स की। टेक अवे, टेक अवे का मतलब है हमने निकाल देना है। हाउ मैनी लेफ्ट, कितने बाकी बचे हैं। बोरो मतलब कैरी करना, उधार लेना, जैसे हमने प्लस के क्वेश्चंस में किया था, कैरी करते थे। माइनस, माइनस का मतलब है लेस कर देना, निकाल देना। रीग्रुप, दोबारा से उनकी ग्रुपिंग करनी है। लेस का मतलब है कम करना। सब्ट्रैक्ट का मतलब है निकालना या कम करना, लेस करना, सेम मीनिंग है। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब यही है कि कितना इन दोनों में फर्क आएगा। डिक्रीज कम करना। हाउ मैनी मोर, कितने और ज़्यादा। ये वर्ड्स वोकैबुलरी के बार बार चैप्टर में यूज होंगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अभी से होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 इज, देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 3 आर एबसेंट टूडे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। टोटल स्टूडेंट्स बच्चों 7 है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में से अगर हम 3 लेस कर दें, 3 निकाल दें, उनको एबसेंट कर दें, तो हमारे पास कितने बचेंगे। आपने 3 पे क्रॉस कर दिया, देन आपने काउंट कर लेना हमारे पास कितने बचे। 1, 2, 3, 4, 4 इज द आंसर। सेम हियर, सब्ट्रैक्ट बाय क्रॉसिंग आउट। आपने अब खुद इनको क्रॉस करना है, पहले में तो करके बताया गया था, अब आपने खुद क्रॉस करना है। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास टोटल है। माइनस में से करना है हमने 3 को, तो आप इस साइड से या इस साइड से कहीं से भी 3 आइसक्रीम्स को क्रॉस आउट कर देंगे। 1, 2, 3, तो हाउ मैनी लेफ्ट, 1, 2, 3, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज टेक अवे, सेम मीनिंग है सब्ट्रैक्ट का, टेक अवे का। 9 आपके पास टोटल फिशेज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब उनमें से हमने माइनस कितना करना है, 4 को। 1, 2, 3, 4 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, टेक अवे कर दिया, अब इसमें से कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, हाउ मैनी लेफ्ट, 5। लास्ट पार्ट है बच्चों इस चैप्टर, इस क्वेश्चन का, 5 आपके पास बटरफ्लाइज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपने इसमें से 0 माइनस करना है। 0 मीन्स नथिंग, मतलब आपने इसमें से कुछ भी नहीं निकालना। 5 बटरफ्लाइज हैं, उनमें से कोई भी बटरफ्लाइज को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो आंसर हमारा उतना ही रहेगा, 5। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। किसी भी चीज़ में अगर हम 0 माइनस कर देते हैं तो वैल्यू उतनी ही रहेगी, हमारे पास उतने ही नंबर्स रहेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन 1 इज सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 36। हेयर आर टेंस एंड यूनिट्स। जैसे कि हमने प्लस के क्वेश्चन में पढ़ा था कि आपने 36 में से टेंस और यूनिट्स को अलग अलग करके लिख लेना है, और उसमें से जो माइनस करना है वो नीचे लिख देना है। ये हम प्लस में भी ऐसे करते तो यहाँ पे साइन होता था प्लस का, लेकिन अब यहाँ पे साइन है माइनस का, तो अब हम ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन स्टाइल हमारा वही होगा लिखने का। टेंस यूनिट सेपरेट, देन जिसको निकालना है अगर वो, तो वो यूनिट है वो यूनिट के नीचे आ जाएगा, अगर वो टेंस में भी है तो टेंस की वैल्यू टेंस में आ जाएगी। अब उसके नीचे लिखने के बाद हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। 34 में से हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है,
तो स्टूडेंट्स हमारे पास 6 हैं, आप यहाँ पे 6 लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप जस्ट बैकवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हैं। 6 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 6 लाइंस यहाँ पे साइड पे रफली अपनी नोटबुक पे रफली ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6, उसमें से आप 4 को कट कर दें, आंसर जो बचेगा वो है 2, और 3 के नीचे कोई अमाउंट हमने माइनस नहीं करनी, तो आंसर हमारा एस सच आ जाएगा 3 3। तो आंसर है हमारा बच्चों 32, यहाँ पे हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है बिल्कुल, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 49। टेंस और यूनिट की वैल्यू अलग करके सेपरेट लिख दी गई है और 7 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, आपने 9 लाइंस ड्रॉ करनी है, उनमें से 7 को कट कर देना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 और 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी सेम है बच्चों, आपने ये खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।